आगामी चुनाव को लेकर गिरिडीह प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा खुद सभी विभागों के साथ संवाद स्थापित कर तैयारियों की समीक्षा की। न्यूज 11 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता मैन पावर और मशीनरी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसकी तैयारी जारी है। इसी कड़ी में नए मतदाताओं को जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं को हटाने का कार्य जारी है। को लेकर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसे लेकर अलग अलग तौर पर जो भी तैयारियां होनी हैं उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी विभागों के साथ लगातार सिलसिलेवार तरीके से बैठक की जा रही है। हमारे साथ खुद जिले के उपायुक्त मौजूद हैं जो लगातार दिन रात मॉनिटरिंग करें। सर, अब चूंकि चुनाव की घोषणा होने में ऐसा संभावित जो तिथि है वो कम दिन बचे हुए, सर तो किस तरीके से प्रिपरेशन, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव था गिरिडीह में लगभग तीन तीन चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए गए हैं, तो अब आने वाली तैयारियां क्या है सर? बिल्कुल, इसमें मैन पावर और मशीन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और मैन पावर के तौर पे हम लोगों ने जो हमारे जो चिन्हित मैन पावर हैं वो तो हम लोग सभी ऑफिसर्स को फिर से हम लोगों ने लेटर लिखना शुरू कर दिया है, ताकि हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, दैट इज़ द सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे पोलिंग पार्टीज हैं, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और हमारे जो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और हमारे कुशांग में विभिन्न जो ऑफिसर्स और कर्मी कार्यरत हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। और चूंकि हमारे 6 विधानसभा हैं, पिछले बार 2 फेजेस में हुए थे, 5 विधानसभा का एक बार में और एक दूसरे विधानसभा का एक बार में, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या अगर एक फेज में अगर चुनाव होता है, दैट इज सभी 6 विधानसभा का एक साथ होता है, तो क्या हमारे मैन पावर सफिशियंट होंगे या नहीं। हम लोग पूर्व के भांति विमेन पोलिंग पर्सनल को भी इन्वॉल्व हम लोगों ने किया है लोकसभा में और बखूबी उनके द्वारा भी काम किया गया, तो ये आइडेंटिफिकेशन का काम जारी है। तो मूल तौर पे जो मैन पावर और मशीन्स पे तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और पोलिंग पार्टीज और बाकी तो ट्रेनिंग अभी आगामी दिनों में स्टार्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग मतलब कि वो क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो जानकारियां इकट्ठा करना और डिटेलिंग करना जो अलग अलग विहित फॉर्मेट में है, वीएम के फॉर्मेट में, तो उसके लिए भी सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कर दी गई है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके संबंध में भी तैयारियां उनके द्वारा रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया गया है। तो मतदाताओं के केस में और मैन पावर और मशीन के केस में हम लोग अभी अपना जो एक इलेक्शन कैलेंडर रहता है जो कि हमें सीईओ ऑफिस से और ईसीआई के द्वारा दिया गया, उसको हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो मैनपावर, मशीनरी और मतदाता तीनों स्तर पर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, ताकि इलेक्शन को लेकर सभी लोग जागरूक रहें और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और शांतिपूर्ण तरीके से एक स्वच्छ माहौल में चुनाव संपन्न हो। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।